हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिव इंडिया वाला। और चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा किया है, पूरा सनलाइट है। आज आपको मैं एक अलग टूर पे ले जाता हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल कैसा होता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होते हैं और किधर है यहाँ पे उसका बाउंड्री होता है या नहीं होता है, क्या हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस सिंबल लगा हुआ है, इतना बड़ा बिल्डिंग है लेकिन ये बेसिकली हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल शॉप है, उसका नाम है एपोटेक। इधर मैं आपको बोर्ड में अगर मैं दिखा पाऊँ तो यहाँ से देखिए क्लियर दिख रहा है एपोटेक। और इस मेडिकल स्टोर में आप अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाएंगे तो आपको कोई दवा नहीं मिलेगा, इवन पैरासीटामोल भी नहीं मिलता। तो ये NTNU का कैंपस है और यहाँ से सीधे नीचे लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जहाँ पे हॉस्पिटल है, और ये उसका रास्ता है, इससे सीधे आगे बढ़ के जाना होता है। सामने में आपको कार पार्किंग बड़ा सिस्टमैटिक दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि शोरूम है लेकिन ये शोरूम नहीं है, बेसिकली कोई ऑफिस है और उसके बाहर का पार्किंग है। तो मैं और धीरे से धीरे आगे बढ़ रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ। और रास्ते में देखिए ये जो दिख रहे हैं, कुछ दिन पहले पूरा आपको इधर स्नो दिखता था, इस रास्ते से बर्फ़ के समय भी मैं गुजरा हूँ कितनी बार। तो अभी स्नो लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब देखिए इस पे चलना आसान है। यही वो जगह है जहाँ पे मैं जब स्नो था तो मैं गिर गया था। ज़्यादा चोट नहीं लगी थी लेकिन यहीं पे, उस जगह को भूलना मुश्किल होता है जहाँ पे आपको चोट लगा होता है। तो इस जगह को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसी रास्ते से जा रहा था और सडनली स्नो में मैं फिसल गया था। ये देखिए गली जो है यहाँ पे कितना नीट एंड क्लीन दिखता है। एक तो यहाँ पे डस्ट कम होता है तो जिसके कारण गंदगी थोड़ा कम फैलता है। तो बेसिकली हॉस्पिटल इसी जोन में है, और जैसे हमारे इंडिया में हॉस्पिटल के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए बाउंड्री होता है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं होता है। तो ये पूरा जोन जो है हॉस्पिटल जोन है। तो अंदर की गलियों में, हॉस्पिटल के अंदर साइड का एक गली है, एक साइड में इधर सारे बिल्डिंग हैं, दूसरी साइड एक कुछ बिल्डिंग है। आगे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। यही वो जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चारों तरफ ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है आपको, यही हॉस्पिटल है, इसी के अंदर मुझे जाना है। और उसके सामने देखिए ये पूरा प्लेइंग ग्राउंड है, यहाँ पे देखिए लोग जो है बास्केटबॉल खेल सकते हैं और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है इधर वॉलीबॉल का ग्राउंड है और सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ लोग यहाँ पे करते हैं शाम के समय। तो शाम 4 बजे के बाद देखेंगे तो यहाँ पे पूरा भीड़ लगा रहता है, हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं। उधर देखेंगे तो लोग ऑलरेडी गैदर हो चुके हैं क्योंकि आज सनलाइट निकला है बहुत दिन बाद, तो लोग यहाँ पर सनलाइट जैसे ही निकलता है बाहर आ जाते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए बनाया गया है, तो सामने बच्चे भी आते हैं तो इधर में कुछ खेलते रहते हैं। ये सामने जो है झूला है, तो इस पर कोई ना कोई सामने आपको झूलते हुए मिलेगा। और ये सैंड आपको दिख रहा है, बेसिकली वॉलीबॉल का ग्राउंड है, इसमें कुछ लोग आएंगे तो वॉलीबॉल खेलेंगे। और उसके दूसरे साइड में जो ग्रीन दिख रहा है वो बेसिकली फुटबॉल का ग्राउंड है, तो शॉर्ट फुटबॉल लोग उसमें खेलते हैं 4-4 मिनट करके। अलावा ये जो सारे दिख रहा है इधर में,
लोग जिम का एक्टिविटी करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सारे व्यवस्था, नीचे जो लगा हुआ है बेसिकली इस पे कोई गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगता, कॉम्प्रेस हो जाता। ये बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल का बिल्डिंग है और ये बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाला बना हुआ है और इसमें मुझे जाना है। बेसिकली ये यहाँ पे पेशेंट नहीं आते हैं, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा लैबोरेटरी। तो बेसिकली लैबोरेटरी पर्पज से बना हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सारे चेकअप होते हैं। हमने आपका बोर्ड दिख रहा होगा, एम्बुलेंस ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो इससे पता चलता है कि यह हॉस्पिटल है। अदरवाइज देखने में लगता है रेजिडेंशियल इलाका, बिल्डिंग वैसा ही दिखता है। तो अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मतलब यहाँ का फर्स्ट फ्लोर, और मुझे फोर्थ फ्लोर पे जाना। तो लिफ्ट आ चुकी है, तो मैं फोर्थ कॉम्प्रेस किया और लिफ्ट जो है फोर्थ फ्लोर पे जाएगी। एंट्री और करना है, ये डोर है, यहाँ से अंदर जाना होता है। फाइनली मैं पहुँच गया।